नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड सुमन। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेबलाइजर बेचते हैं या फिर बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को कस्टमर को ये शिकायत आती है, क्योंकि बहुत जगह हो गया कि बिजली की जो इतनी बढ़िया से वर्क हो रही है, बिजली प्राइवेट हो जाने के कारण वोल्टेज बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जिनके पास स्टेबलाइजर है वो स्टेबलाइजर फेंक तो नहीं देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपका स्टेबलाइजर हटाने के बाद मेरी बिजली बिल ज़्यादा आती है और स्टेबलाइजर लगाने के बाद बिजली बिल कम आती है, वोल्टेज अच्छी रहती है, इसके बाद भी आपकी स्टेबलाइजर जो है यूज होता रहता है। आप उन्हें कहते हैं कि आप बाईपास कर दीजिए, तो कहीं कहीं बाईपास लोग भी कर देते हैं, कहीं कहीं बाईपास करने में लोग डरते हैं, क्यों कि अगर किसी कारण हाई वोल्टेज आ जाए, लो वोल्टेज आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टेबलाइजर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन एकाएक हाई वोल्टेज आए तो मेरे जो घर के सारे रिक्वायरमेंट हैं जल जाए। तो बहुत सारे लोग हैं कि उसके लिए हाई कट बनवाते हैं अलग से, मैंने भी एक दो हाई कट बना कर अलग से दिए, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हाई कट बना कर दे दूंगा तो उनका हाई कट से काम चलने लगेगा, अगर मैं स्टेबलाइजर बेचता हूँ तो फिर वो कस्टमर जिद करने लगे कुछ दिन के बाद कि ऐसा कीजिए सर कि आप ये स्टेबलाइजर बिकवा दीजिए। तो आप वो स्टेबलाइजर को कितना बिकवाइएगा, कितने लोगों का बिकवाइएगा, इससे आपका भी नुकसान है, बिकेगा कस्टमर को उसको भी नुकसान है, क्योंकि वो ज़्यादा रकम में लिया था, अब कम रकम में बेच रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं, और फिर किसी कारण आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम होने लगता है तो फिर वो सोचते हैं कि ये मैंने बेचकर गलती की। तो उसके लिए एक सलूशन ये है कि आप हाई कट तो डालते ही हैं, अब ऐसा कीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग से हाई कट बना के देते हैं, तो अलग से हाई कट बना के दीजिएगा तो आपको भी प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम, साथ में कस्टमर के ज़्यादा पैसे लगेंगे। कैसे, अगर आप जनरल 5 KVA के हाई कट बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, आप अलग से एक बॉक्स लगाइएगा, 2909 लगाइएगा या फिर 1212 लगाइए, कुछ भी लगाते हैं वो लगाइएगा, रिले लगाइएगा, किट लगाइएगा, फिर 83 या फिर जो कनेक्टर है वो लगाइएगा, तो इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर लगाइएगा, सारे कुछ लगाएंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे खासे खर्चे लगभग 500 से 600 लग ही जाते हैं, ऊपर लग जाते हैं, और उसके बाद एक कस्टमर के एक और झमेला हो जाता है कनेक्शन करने का, कि अब उनको क्या कनेक्शन करना होता है, पहले हाई कट लगाइएगा, हाई कट के बाद स्टेबलाइजर लगा लगाते हैं या फिर मकान में लगाते हैं, फिर किसी कारण से वोल्टेज अगर हाई स्टेबलाइजर हटा भी देते हैं तो फिर करते क्या है कि उनके साथ प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि अगर किसी दिन वोल्टेज अगर हाई आने लगी तो फिर उनको हटाते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, नतीजा क्या होता है उनका सब उड़ जाता है, सारे कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, मोबाइल चार्जर खराब हो जाते हैं, या फिर लो आने लगते हैं तो फिर स्टेबलाइजर के लिए लगाना पड़ता है, तो फिर मैकेनिक्स को खुद ढूंढते हैं, तो ऐसा करने से उनको भी परेशानी है आपको भी परेशानी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं ऐसा एक ट्रिक बताने जाऊंगा, उस ट्रिक से आप स्टेबलाइजर में ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टेबलाइजर में बाईपास कनेक्शन कर दीजिए और वो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो चीज़ कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2909 और एक ऑटो कट किट लगाइए, जनरली बड़ी वाली, और ऑटो कट किट लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं कि आप हाई कट। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं कि ये नए तरह का हाई कट कैसे बनेगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है, कि मैंने आपसे कहा था कि आप हाई कट और स्टेबलाइजर के बारे में कुछ बताया था, तो चलिए हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि मान के लिए अगर कस्टमर कहता है कि आपको हाई कट अलग से बनाने हैं तो आपको बॉडी इत्यादि सब कुछ लगाने पड़ेंगे जो काफ़ी महंगे पड़ेंगे और अलग से एक कनेक्शन का एक झंझट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जनरली जो कनेक्शन बताता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम है, अगर आप बाईपास सिस्टम का अगर कनेक्शन जानते हैं तो कुछ इस प्रकार होते हैं बाईपास सिस्टम का कनेक्शन, तो मैं बाईपास सिस्टम का कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MCB जो आउटपुट रिले है उसकी NC पर आपकी जो जुट जाती है, MCB से इनपुट आती है वो आ जाती है, NC पर कनेक्टेड हो जाती है और MCB के द्वारा। और अगर आपको इसके पूरे कनेक्शन नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं और आगे भी अगर कहिएगा तो मैं बता दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन है इसकी NO पर सप्लाई चली गई है, जबकि इसके कॉमन से आउटपुट दी गई है, यानी कि रिले की जो कॉमन है आउटपुट की उससे आपकी आउटपुट सप्लाई होगी है, और जो NC पर है उससे MCB के द्वारा फेज आएगा, जबकि इस पर NO पर आपको ये हो जाएगा। जनरल ये किट आप भी जानते हैं और सभी लोग भी जानते हैं।
तो चलिए इसके बारे में और हम आगे बात करते हैं कि आपको आप करना क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमको 909 अलग से या 1212 आपको लगानी है, जो आपको एक सिरा जो ये सिरा है आप ये सिरा आपको इन यानी कि न्यूट्रल पर जोड़ देनी है, जबकि ये जो है MCB से जो फेज आ रही है यानी कि यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट है ये सीधे इस पर जुट जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट जुट गई, तो इसे अब क्या होगा कि यहाँ पर जब बाईपास करते हैं तो इस पर इनपुट पर इस जो 909 है इस पर आपको सप्लाई मिलने लगती है, और फिर यहाँ पर एक जनरल ऑटो कट किट है, ये आप समझ सकते हैं कि ऑटो कट बड़ी वाली जो ट्रांजिस्टर है उसकी किट उपलब्ध है मार्केट में लगभग 25-30 रुपए के बीच में, वो किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बढ़िया किट चाहें तो बढ़िया किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल ऑटो कट की किट चाहिए। और इसकी पॉजिटिव और निगेटिव जो सप्लाई होती है, ठीक हम रिले की निगेटिव और पॉजिटिव जो है यानी कि जो कॉमन होती है उस पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, और जो सभी रिले की कॉमन होती है और निगेटिव होती है तो निगेटिव वाले पर दे देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक अड़चन ये है कि अगर हम DC मोड में अगर यानी कि बाईपास मोड में हम इसे चालू करते हैं तो ये तो वर्क करेगी और आप हाई कट हो जाएगी, यानी कि हाई कट सेंसिंग कर देते हैं, यानी कि 300 या 260 के ऊपर जब आती है, 270 के ऊपर आती है तो ये हाई कट हो जाएगी, ये जनरली आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या आप कि जब यहाँ पर आप सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपकी डिजिटल किट पर सप्लाई चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो है डिजिटल किट ख़राब हो सकता है, फिर या ये किट ख़राब हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो डायोड लगा देना है, यहाँ पर और यहाँ पर आप दो डायोड लगा देंगे, जिसका पॉजिटिव सीधा रिले की पॉइंट की तरफ होगी और निगेटिव सीधा आपको यहाँ पर हो जाएगी अलग में। दोनों मतलब दोनों तार है, एक ऑटो कट के रिले और यहाँ पर डिजिटल किट के रिले की जो पॉजिटिव आती है सिर्फ आउटपुट रिले पर एक एक डायोड लगा देने हैं ताकि आपको रिवर्स वोल्टेज न मिले। और दूसरी बात आपको करनी क्या है कि यहाँ पर एक कंडेंसर लगा सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव पे, ताकि अगर डायोड लगाने के कारण कुछ वोल्टेज कम हो तो उसे ये मेंटेन कर देगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। और आप ऑटो कट इस पर सेट कर सकते हैं, इसमें आपकी जो है रिले कैबिनेट और HT3 यदि सभी चीज़ की जो है पैसे बच जाएंगे, कस्टमर के साथ में अलग से कनेक्शन के लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन भी आपकी जो है ख़राब होने से बच सकती है। और अगर इसमें और क्या परेशानी है आपको, अगर वोल्टेज किन्हीं कारण से हाई रहने लग रहा है या लो रन होता है तो बस करना क्या है, बाईपास से हटाकर स्टेबलाइजर से कर देनी है। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम इस फंडे पर काम करता है, और अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कहिएगा। जनरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक आपको ऑटो कट से सप्लाई दे देनी है, ऑटो कट यहाँ जो है ये 750 mA के ट्रांसफार्मर है, 1212 या फिर 909 ऑटो कट किट में दे दिए, ऑटो कट से सप्लाई हमने सीधे रिले पर डायरेक्टली दे दिया। आप बीच में क्या किया है, एक एक हम यहाँ पर डायोड लगा देते हैं और दो डायोड लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि आपकी रिवर्स वोल्टेज जो है हमारी वापस किट में ना जाए, किट से आपको जो सप्लाई है रिले पे मिल जाए, लेकिन रिले से सप्लाई आपको यानी कि एक रिले ऑन होती है तो दूसरे किट से यानी कि डिजिटल किट ऑन होती है तो ऑटो कट रिले पे सप्लाई नहीं मिलेगी, और डायोड लगे रहेगा तो, और अगर ऑटो कट रिले ऑन होगी तो आपके डिजिटल किट पर सप्लाई नहीं मिलेगी। बस इतना ही करना है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ये जो है पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और इस वीडियो को मैंने कुछ सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि बहुत जगह स्टेबलाइजर की जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, वोल्टेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।